बुलंदशहर में नगर पंचायत पहासू के पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष पर लगाया टिकट के बदले 2 लाख लेने का आरोप, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूर्व चेयरमैन का आरोप सपा से टिकट के नाम पर जिला अध्यक्ष मतलूब ने लिए 2 लाख रुपए, जिस पर सपा अध्यक्ष ने आरोप को झूठा बताते हुए किसी को अपने नाम से पैसे नहीं देने की अपील की है। फिलहाल पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अजमल खां और छोटे। कहाँ के रहने वाले हैं? पहासू। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि आपसे उसने पैसे लिए हैं, और कितने पैसे लिए हैं? और आपको ऐसा था, हमारा नाम चल रहा था पैनल में, हम टिकट मांग रहे थे और 1993 से हम पार्टी में, और हम मांग रहे थे तो बोले मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ नगर पंचायत पहासू बुलंदशहर का। तो उन्होंने कहा हमसे अपना आवेदन करिए, तो वो हमारा आवेदन ले गए नकलव, तो हमसे बोले गए हम जा रहे हैं नकलव, कुछ करवाओ दिलवाओ। हमने उनको रुपए दे दिए 2 लाख रुपए। अब उन्होंने हमारा आवेदन भी पेश नहीं किया फिर अध्यक्ष जी के पास, और दुबका के सिंबल हमारे दूसरे आदमी को ला के दे दिया। अब हमने कहा क्या हुआ कि अभी रुक जाए, 21 तारीख तक कुछ होगा, कलेश जी जा रहे हैं दिल्ली, जब आप 24 तारीख को नॉमिनेशन आप कर देना। जब ज़्यादा वही जब मुझे शक हो गया तो मैंने बोला भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पैसे लौटा दो, अगर कम लग रही तो हम ज़्यादा दे देते आप। तो उन्होंने उनसे कुछ बढ़ा के ले लिए, जो जैसी रिपोर्ट आई है तो फिर उन्होंने हमें 70,000 रुपये वापस कर दिए, बाकी 1,30,000 रुपये रह गए। कोई लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं भैया, चेयरमैन ही लड़ रहे हैं तो हम किसी लड़ाई क्यों लड़ेंगे। कौन सी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और क्या नाम है जिलाध्यक्ष का? समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और उनका नाम मतलू बलिए। तो आपने किसके लिए चिट्ठी भेजी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भेजी, अखिलेश जी के लिए।